सभी दोस्तों को नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एयरटेल स्ट्रीम बॉक्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, डिटेल में हम बताएंगे, ये एक इनवर्ट सेटअप बॉक्स है। किसी भी नॉर्मल टीवी को या फिर नॉर्मल LED टीवी को ये स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हैं या फिर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके मन में कई सारे सवाल होंगे। मुझे पता है कि आपके तो मन में पहले ये सवाल होंगे कि इसमें मंथली रिचार्ज कितना करना पड़ता होगा या फिर इसको यूज़ कैसे करना पड़ता होगा, इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, ये सब अब कई सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको ये बताए थे कि ये एक एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है, किसी भी नॉर्मल टीवी को स्मार्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हम आपको बता देते हैं कि ये अगर आप कोई भी वीडियो को अगर आप ऑफलाइन करके देखना चाहते हो तो आप इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको दिया गया है डायरेक्ट ऑफलाइन वीडियो भी देखने के लिए, डायरेक्ट यहाँ से आप पेन ड्राइव लगा के यूज़ करके आप देख सकते हो, चाहे वो पेन ड्राइव में दिया गया ऑफलाइन जो भी वीडियो हो वो आप देख सकते हो या फिर यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकते हो। साथ ही बगल में यहाँ मेमोरी कार्ड लगाने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगर आप साथी दोस्तों आप ईथरनेट चलाना चाहते हैं, डायरेक्ट वाईफाई केबल ला के इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये मुझे काफ़ी बेस्ट आइडिया लगा। ठीक है, इस सेटअप बॉक्स के बारे में मुझे काफ़ी अच्छा तरीका ये लगा। दूसरा, एक और यहाँ पे पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे HDMI कॉर्ड, यहाँ पे जो पुराने नॉर्मल टीवी का AV कॉर्ड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको ऑनलाइन चलाना पड़ता है। दोस्तों अगर आप यूट्यूब या फिर ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन पे कुछ शो वगैरह देखना चाहते हैं तो फिर आपको जैसे Amazon Prime देखना चाहते हो, Netflix देखना चाहते हैं या फिर YouTube देखना चाहते हो तो आपको इसमें इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप इथरनेट से कनेक्ट कीजिए या फिर वाईफाई से कनेक्ट कीजिए। दोस्तों हम बात कर लेते हैं रिचार्ज के बारे में, तो रिचार्ज कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एयरटेल सेटअप बॉक्स में जितना मंथली का रिचार्ज लगता है उतना ही सेम इसमें भी लगता है। ठीक है दोस्तों, मेरे इस सेटअप बॉक्स में मैंने 250 का पैक एक्टिवेट करके रखा है, जैसे 153 का मैंने पैक एक्टिवेट किया है और आगे से जो भी एक्स्ट्रा चैनल मैंने ओपन किया है वो मैंने ही ओपन किया है। इसके साथ मैं पहले आपको दिखाता हूँ, मैं इसके साथ यूज़ करता हूँ सोनी ब्राविया का 14 इंच टीवी। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं यूट्यूब ओपन हुआ है, तो मैं बैक आ जाता हूँ, पहले आपको कोई भी सभी एक चैनल ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार प्लस HD यहाँ पे ओपन कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना क्लीन चल रहा है, काफ़ी बेस्ट है। ऑलरेडी हम बता देते हैं रिमोट के बारे में, रिमोट काफ़ी बेस्ट है दोस्तों। अगर ये रिमोट इस सेटअप बॉक्स का है ना, तो दोस्तों आप किसी भी रूम में चले जाएँ या फिर कहीं पर भी चले जाएँ 200 मीटर के एरिया में, ये रिमोट अगर कहीं पर भी दबाएंगे तो ये रिमोट यहीं से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको चलिए हम दिखा देते हैं पहले वाईफाई कनेक्ट करके यहाँ टीवी में। तो आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा रियलमी कनेक्ट हो गया है। अब मुझे इसमें देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं अब चलिए पहले आपको हम YouTube ओपन करके दिखा देते हैं। YouTube यहां पे बटन डायरेक्ट दिया गया है, साथ में यहां पे Netflix का भी है, Amazon Prime Video का भी यहां पे ऑप्शंस डायरेक्ट अवेलेबल है। इससे भी बेहतर एक और तरीका है दोस्तों, डायरेक्ट गूगल से भी आप यहां पे वॉइस सर्च करके भी कुछ भी आप यहां पे देख सकते, कुछ भी सर्च कर सकते हो, और साथ ही साथ आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको सेटअप बॉक्स में दिखाया था, पेन ड्राइव या डायरेक्ट मेमोरी कार्ड भी लगा के आप कोई भी टीवी शो या कोई भी मूवीज आप रिकॉर्ड कर सकते हो यहीं से। ठीक है, ये काफ़ी बेस्ट तरीका है दोस्तों रिकॉर्ड करने के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले आप चलिए हमको यूट्यूब ओपन करके दिखा देते हैं। हम आपको बता कुछ बुराइया इसमें बताने वाले थे, वो दोस्तों बुराइया ये है कि आपको सामने जब मैंने YouTube ओपन किया है तो देखिए इसमें टाइम कितना लगेगा इसको ओपन होने में, पता नहीं ये ओपन होगा भी या बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी मुझे घटिया लगता है कि अगर इसको स्लो स्पीड अगर इंटरनेट मिलेगा तो बहुत ही टाइम लगेगा कोई भी एप्लीकेशन ओपन होने में। ठीक है, तो एप्लीकेशन ओपन होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इंटरनेट मेरा स्लो है, मोबाइल से मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया है, तो अभी फ़िलहाल मैं छत पे रख के आया हूँ, फिर भी देखिए मुझे इतना टाइम लग गया इसको ओपन होने में, यूट्यूब ओपन होने में। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई सा भी एक वीडियो प्ले कर देता हूँ, साउंड्स मैं ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट का चांस बना रहता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो गया है। तो पहले मैं यहाँ पे क्वालिटी चेक कर लेता हूँ कौन सी क्वालिटी में चल रहा है, मैं यहाँ पे फुल HD में कर लेता हूँ।
दोस्तों ये एक बात और मैं बताना भूल गया, ये 4K सपोर्टेड है। अगर आप कोई भी स्मार्ट टीवी या कोई भी एलईडी टीवी आप लेते हो, अगर वो 4K सपोर्टेड है आपका टीवी, तो ये 4K वीडियो भी प्ले कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए काफ़ी तेज़ इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसमें अगर हम चाहें तो एप्लीकेशन देखिए, हम इसमें कौन कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखे हैं। यहाँ पर नेटफ्लिक्स दिया गया है पहले से ही, अमेज़ॉन प्राइम दिया गया है, G5 जो है एप्लीकेशन वो इंस्टॉल किया गया है, ये पे अल्ट बालाजी ये भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया गया है। साथ में ये पहले से इंस्टॉल था दोस्तों, ये ऐप MX प्लेयर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और ये गेम भी मैंने इंस्टॉल ही किया हुआ है। दोस्तों इससे पहले मैंने असफाल्ट 8 गेम इसमें इंस्टॉल किया था, वो काफ़ी बेस्ट चल रहा था। दोस्तों अगर हम बात करें एक नॉर्मल स्मार्ट टीवी के बारे में, अगर उसमें हम कोई भी गेम इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए हमको एक गेम खेलने के लिए एक गेम पैड आता है दोस्तों, वो हमको ख़रीदना पड़ता है एक्सटर्नल से। उसके बाद हमको उसको वायर से फिर वायरलेस उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना होता है। लेकिन एयरटेल स्ट्रीम बॉक्स अगर आप लेते हो, तो आपको इसका एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, और वो जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन में, तो आपका फ़ोन ही आपका रिमोट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आप प्रेस करोगे और उधर कार दौड़ाओगे या फिर कोई भी गेम ईजिली खेल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको अभी तो मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया था दोस्तों। नहीं, अगर आपको भी कोई ज़रूरत पड़े, कोई गेम वेम खेलने के लिए आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए, तो आप हमको कमेंट जरूर कर दिएगा, हम आपके लिए वीडियो ला देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सवाल हो एयरटेल स्ट्रीम बॉक्स से लेकर के, तो आप हमको ज़रूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद।